हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री हैंडक्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ तोरण की एक न्यू डिज़ाइन। देखिए, ये बहुत ही सुंदर है और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने दो कलर में बनाया है, वाइट और मेहरून कलर में। एक नॉट लगाएंगे और 21 चैन बना लेंगे। यहाँ पे हमें 21 चैन बनाना है। ये हमने नॉट लगा लिया, नॉट हो गया हमारा इस तरीके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसी तरीके से हम 21 चैन कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये 21 चैन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे पांच चैन बना लेना है एक्स्ट्रा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच चैन हो गया। अब इस साइड से हमें आठ चैन स्किप करना है और नौवे वाले चैन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौवे वाले लूप के अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। तीन चैन के ऊपर हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तीन डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें दो चैन लेना है, एक, दो, दो हो गया। और नीचे हम यहाँ पे दो चैन स्किप करेंगे और तीसरे वाले चैन के अंदर हम बना लेंगे, एक, दो, ये तीन। तीसरे वाले चैन के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ भी हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन्स के ऊपर हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो चैन लेंगे, एक, दो, और नीचे से दो स्किप करेंगे चैन और तीसरे वाले लूप के अंदर हम बना लेंगे तीन डबल क्रोशिया। फिर बनाएंगे हम यहाँ पे, हमें तीन चैन्स के ऊपर तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ दो चैन लेंगे, एक, दो, दो चैन हो गया और दो चैन स्किप करनी है और तीसरे वाले चैन के अंदर हमें बनानी है डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे हम तीन चैन्स में तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये चार फंदा बना है। चार जगह हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम टर्न करेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें पांच चैन लेना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच चैन हो गया। अब हम टर्न कर लेंगे। अब हमें ये फंदा जो है हमारा, इन फंदों के अंदर हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है इस फंदे के अंदर। फिर दो चैन लेंगे,
और यहाँ पे फिर तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे इस नेक्स्ट वाले फंदे के अंदर। फिर दो चैन लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले फंदे के अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये तोरण की पट्टी होगी हमारी। हमारा तोरण और पट्टी एक ही साथ बनेगा इसमें। तो देखिए ये हमारी इतनी चौड़ी हम तोरण की पट्टी बनाएंगे और इसी के साथ हम तोरण भी बना लेंगे या फिर हम दो चैन लेंगे और इस फंदे के अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे लास्ट वाले फंदे के अंदर। ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हमें पांच चैन लेना है, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच चैन हो गया। अब हम टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे इस वाले फंदे के अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर दो चैन लेना है। इसी तरीके से हमें ये छह लाइन बनाना है। हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया, तीसरा लाइन बुन रहे हैं हम। यहाँ पे हमें तीन डबल क्रोशिया बुनना है और यहाँ पे हमें दो चैन लेना है, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन। ऐसे ही हम ये बनाते जाएंगे। तो इसे हम छह दफ़ा बुन लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें टोटल 11 लाइन बना लेना है। ये देखिए, तो देखिए हमने ये 11 लाइन कंप्लीट कर लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 लाइन हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें 12 चैन बनाना है, यानी कि 12 चैन बनाना है हमें यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 चैन हो गया। अब हम ये जो हमारा ये सेकेंड वाला फंदा है, यहाँ पे हम तीन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से, एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसे हम टर्न कर लेंगे, पलट लेंगे और यहाँ पे हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस चैन के अंदर हमें नौ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, एक दो तीन। इसी तरीके से हम नौ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये नौ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिया हमने, ये नौ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पे दो चैन लेना है, एक दो, और फिर इधर ये जो हमारा चैन बच रहा है इसमें हम फिर नौ डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे हमें फिर नौ डबल क्रोशिया बना लेना है, एक दो तीन। इसी तरीके से हम नौ डबल क्रोशिया इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया, इधर हमारा नौ डबल क्रोशिया बना है और फिर इधर नौ डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हमने दो चैन लिया हुआ है। अब फिर इसको हम जैसे हमने ये पट्टी बुना था तोरण का, इसी तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर तो यहाँ हम
दो चैन लेंगे, एक दो, और सारे फंदों में तीन तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने पिछले राउंड में बनाया था। सेम वही पैटर्न अप्लाई करना है हमें। इसी तरीके से ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे 11 चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये 11 चैन हो गया। तो देखिए ये 11 चैन हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस फंदे के अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन, तीन हो गया। अब फिर हम दो चैन लेंगे, ये तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें दो चैन लेना है और इसी फंदे के अंदर हमें फिर से तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे फिर से 11 चैन लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार। तो देखिए 11 चैन हमने बना लिया। अब हम यहाँ जो ये हमारा चैन दिख रहा है, इस चैन में हम सिंगल क्रोशिया से इसको स्टिच कर लेंगे। तो हम तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, एक दो तीन, ये हो गया हमारा। अब हम इसे टर्न कर लेंगे, पलट लिए हम। अब इस चैन के अंदर हमें टोटल 14 डबल क्रोशिया बना लेना है, जो हमने 11 चैन्स लिया था उसके अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है बना के। तो इस तरीके से हम इसमें 14 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए इस चैन में हमने, ये जहाँ हमने 11 चैन लिया था यहाँ पे हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पे दो चैन लेंगे, एक दो, और इस फंदे के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन तीन, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ हम दो चैन लेंगे, फिर से इसी फंदे के अंदर हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये इस तरीके से हो गया। अब फिर यहाँ पे दो चैन लेंगे हम, एक दो, और ये वाला जो चैन है हमारा 11 चैन, इसके अंदर हम फिर से 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हम 14 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिया, ये वाली तोरण हमारी एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगी, हमारी पट्टी भी और हमारी तोरण भी। ये बनाना बहुत ही आसान है। अब हम ये इधर जो हमने डिजाइंस डाले थे, यहीं वाले डिजाइंस हमें फिर से रिपीट करने हैं। यहाँ पे दो चैन लेंगे और ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेंगे, सारे फंदों में तीन तीन डबल क्रोशिया बना के। तो देखिए एक बार मैंने इधर से भी ये लाइन बुन के इस साइड आ गए हम। अब हमें यहाँ पे 15 चैन बनाना है, एक दो तीन चार। तो चलिए 15 चैन बना लेते हैं पहले। तो देखिए हमने 15 चैन बना लिया। अब हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेना है,
ये वाला जो फंदा है हमारा, यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन, ये तीन डबल क्रोशिया हो गया। फिर दो चैन लेंगे, एक दो फिर यहाँ इस फंदे के अंदर हम जैसे हमने ये बुना है दो बार तीन तीन डबल क्रोशिया दो चैन लेके ऐसे हम बुन लेंगे। फिर दो चैन लेंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया इसी फंदे के अंदर बना लेंगे। फिर दो चैन लेना है हमें, और ये जो फंदा दिख रहा है इसमें तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। डिजाइन्स बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमें जितना चैन हमने इस साइड लिया हुआ है, हमने इस साइड 15 चैन लिया है, इस साइड भी हम 15 चैन लेंगे। तो देखिए 15 चैन कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाले चैन के अंदर तीन सिंगल क्रोशिया बना के स्टिच कर लेंगे। तीन सिंगल क्रोशिया हो गया। जैसे हमने इन दोनों लाइंस को जोड़ा वैसे ही हमें ये वाली लाइंस भी बनाई है। अब हम टर्न कर लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें टोटल 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो हमने 15 चैन बनाए हुए हैं उसमें हमें टोटल 19 डबल क्रोशिया बना लेना है। हमें चैन्स नहीं लेना है, डबल क्रोशिया बनाते जाना है हमें। तो देखिए हमने इस वाले चैन के अंदर हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इन सारे फंदों के अंदर तीन तीन डबल क्रोशिया बना लेना है, और यहाँ हमें ये जो बीच में हमने दो दो एक फंदे के अंदर दो दो बार तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया है इस तरीके से बनाना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इधर से दो लाइन बना के यहाँ आ गए। अब हम आगे बनाते हैं। इसी तरीके से हम चैन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल 20 चैन लिया है। हम 20 चैन बनाएंगे। ये चौथा लाइन बना रहे हैं हम, ये डिजाइंस वाली। अब हम यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे इस फंदे के अंदर। फिर दो चैन लेंगे, फिर यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हम ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इधर भी हम 20 चैन लेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो देखिए ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इधर भी 20 चैन बना लिया। अब हम यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये वाले फंदे के अंदर। अब हम टर्न कर लेंगे, और ये वाले जो हमने चैन बनाया है इस चैन के अंदर हम 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस तरीके से हम इसके अंदर 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इधर जो ये वाला पैटर्न हम बना रहे हैं, हर फंदे के अंदर हम तीन तीन डबल क्रोशिया दो दो चैन लेके बना लेंगे। फिर इधर 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमने 20 चैन लिया था, 20 चैन के ऊपर हमने 24 डबल क्रोशिया बनाया है और इधर ये हर फंदों के अंदर हमने 3-3 डबल क्रोशिया बनाया है, 2-2 चैन लिया है मैंने गैप में और फिर इधर हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसको इस तरफ से बुन के फिर एक बार और इधर बुन के धागा इधर लाएंगे। ये पट्टी के ऊपर हम सेम यही डिजाइन बनाते जाएंगे जो हमारे डिजाइन है। यहाँ 2 चैन लेंगे हम, तो फिर हम ये 2 लाइन बना के इस तरफ आ जाते हैं। तो देखिए ये वाली 2 लाइन हमने बुन ली और धागे को इस साइड ला लिया और यहाँ पे हमने टोटल 25 चैन बनाया है। 25 चैन हो गया हमारा और यहाँ पे हमें यही वाला पैटर्न फिर से बना लेना है। हर फंदे के अंदर हमें 3-3 डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर इधर हम 25 चैन बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए ये चैन्स वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली, हमने इधर बना लिया ये डबल क्रोशिया, तो हमारा 1, 2, 3, 4 आया, इस साइड 4। अब हम यहाँ पे 25 चैन बना लिए, यहाँ पे हमारा 25 चैन बन गया। अब हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे, 1, 2, 3 3 सिंगल क्रोशिया से ये हमारा स्टिच हो गया इधर। अब हम टर्न कर लेंगे, जो ये फंदे छोड़े हैं सारे फंदों के अंदर हमें 3-3 डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर इस साइड हमें ये इसके अंदर इस चैन के अंदर हमें 30 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली, यहाँ पे हमने 30 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे भी और ये वाली हमारी डिजाइन कंप्लीट हो गई। ये वाली डिजाइन बनाने में टोटल 20 लाइन बनाया है हमने। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 लाइन में ये वाली डिजाइन हमारी कंप्लीट हुई है। तो आगे हम फिर यहाँ पे 11 लाइन ये बुन लेंगे, जैसे हमने 11 लाइन बुन के ये डिजाइन स्टार्ट करी थी वैसे ही 11 लाइन बुन के फिर ये डिजाइन हम रिपीट करेंगे। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। हमें यहाँ से फिर काउंट करना है ये वाला लाइन यहाँ से, तो हमें 11 लाइन बना लेना है पहले। ये पट्टी वाली डिजाइन हमें 11 लाइन बुन लेनी है पहले, तब मैं फिर ये डिजाइन स्टार्ट करके बताऊंगी कैसे बनाना है। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने 11 लाइन बना लिया, इधर हमने ये वाली हमारी डिजाइन बनी है, यही डिजाइन हमें रिपीट करना है, यही वाले डिजाइन हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ हमने 11 लाइन बना लिया, देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये छोड़ेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 लाइन हो गया हमारा। अब फिर से ये वाले डिजाइन हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें 12 चैन बनाना है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 चैन बना लिया हमने। अब हमें इसको इस फंदे में सिंगल क्रोशिया बना लेना है, सिंगल क्रोशिया से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। अब हम टर्न कर लेंगे और इसमें 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस चैन के अंदर हम 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो देखिए ये 9 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब यहाँ पे हम दो चैन लेंगे, एक दो, और फिर 9 डबल क्रोशिया इस फंदे के अंदर बना लेंगे इस चैन के ऊपर। तो देखिए ये हमने बना लिया, यहाँ पे हमने इधर 9 डबल क्रोशिया और इधर 9 डबल क्रोशिया और यहाँ पे हमने दो चैन लिया है। अब फिर इस पे हम एक लाइन इधर से फिर एक लाइन इधर से बुन के इधर आ जाएंगे और फिर ये डिजाइन बनाएंगे हम। यहाँ दो चैन लिया और फिर ये डिजाइन बना लिया, तो ये पट्टी वाली डिजाइन हमारी सेम रहेगी। तो देखिए ये हमने इधर से दो लाइन बना के हम इस साइड आ गए और फिर ये वाले डिजाइन बनाएंगे। यही डिजाइन हम अब ये वाली लाइन बनाएंगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ऐसे ही यही वाले डिजाइन हम फिर इस साइड यहाँ पे बना लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। आप इसी तरीके से आपको जितना साइज का तोरण चाहिए उस साइज का आप बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने डोर की साइज माप के आप बना सकते हो। तो चलिए ये वाला पहले हम ये वाला पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे की डिजाइन बताऊंगी कि इस पे क्या करना है। तो देखिए ये हमने दूसरा पैटर्न बना लिया, इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग जितना साइज का हमें ये तोरण चाहिए उतनी साइज का हम ये बना लेंगे। हमारा यही पैटर्न हमें अप्लाई करते जाना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये गेट हमने बना के कंप्लीट कर लिया, ये हमारा एक ही साथ तोरण पट्टी और गेट बन गया। ये इस तरीके से डिजाइन आई है, ये देखिए ये वाली डिजाइन हमारी 5 आई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी में लगाने के लिए फ्लावर बना लेते हैं। फ्लावर हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए मैंने मैरून कलर का ऊन लिया हुआ है। हम इस तरीके से मैजिक नॉट बनाएंगे और इसके अंदर हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन लेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, फिर दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल हमने इसमें 12 सिंगल क्रोशिया बना लिया, यानी कि 12। अब हम ये जो धागा है हमारा, इस धागे को हम पकड़ के ये धीरे से ऐसे खींच लेंगे तो ये हमारा सर्कल टाइप का ऐसे बन जाएगा। ये हम अच्छी तरीके से इसको खींच लेंगे, ये देखिए ये सर्कल बन गया। अब हमें यहाँ पे जो हमने फर्स्ट चैन बुना था उस चैन में हमें स्लिप स्टिच कर लेनी है। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पे हम एक चैन लेंगे और सेकेंड वाले लूप में यहाँ पे क्रोशिया पास करेंगे और हम यहाँ पे दोनों को एक चैन बना लेंगे, फिर ये दूसरा, तो दो चैन हमारा यहाँ ये हो गया। अब हमने ये जो सेकेंड लूप में हमने फंदा डाला था यहाँ पे हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमें ये फंदा बुनना नहीं है, ऐसे रखना है। फिर ये दूसरा इसी फंदे के अंदर हम बना रहे हैं,
तो ये हमारा तीन हो गया। ये तीन हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हम चौथा बनाएंगे। ये चौथा बन गया। अब फिर हम पांचवा भी बना लेंगे। एक ही फंदे के अंदर हमें पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, यानी कि फाइव। तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल ये सिक्स धागा आएगा, ये सिक्स धागा आएगा, क्योंकि यहाँ हमने दो चैन बुना था। अब हमें इन पांचों फंदों को एक साथ बुन लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे बुनने के बाद हमें दो चैन लेना है, और यहाँ जो अगला वाला लूप है हमारा चैन है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, फिर दो चैन लेना है, और फिर नेक्स्ट वाले फंदे में हमें फिर पांच ट्रिपल क्रोशिया बुन लेनी है। देखिए इस तरीके से हम दो बार फंदे उतारेंगे। ये जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो ऐसे हम दो बार में डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो एक बार हम और लपेट लेंगे, और इस तरीके से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बनता है। तीन बना लिया हमने, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। तो टोटल हम पांच बनाएंगे। अब ये सारे धागों को हम एक साथ बुन लेंगे, फिर हम दो चैन लेंगे, और अगले वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ दो चैन लेंगे हम। दो चैन लेने के बाद फिर अगले वाले फंदे में हम सेम ऐसे ही बुनेंगे। तो ये हमारा जो ये फ्लावर का बन रहा है डिज़ाइन, ये हमारा टोटल छः बार बनाएंगे हम। एक एक फंदे में हमें बनाते जाना है। एक फंदे में हमें डबल क्रोशिया दो चैन लेना है, फिर अगले फंदे में हमें पांच ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो चलिए मैं बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमने बना लिया। ये टोटल हमारी ये छः पत्तियाँ बनी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ पे दो चैन लेंगे, और फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले चैन में हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्लावर। इसी तरीके से हम सारे फ्लावर बना लेंगे। अब हम धागे को कट कर लेते हैं। और इसी धागे से हम स्टिच कर लेंगे तोरण में। तो देखिए कितना सुंदर सा प्यारा सा फ्लावर बन गया हमारा। तो चलिए मैं गेट में लगा के बताती हूँ कैसे लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तोरण बना के कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर मैंने ये सारे फ्लावर्स जो हमने बनाए थे, ये मैंने सारे स्टिच कर लिए हैं। मैंने छः फ्लावर्स तोरण पट्टी के ऊपर लगाया है, और पांच फ्लावर्स ये पांच डिजाइंस जो हमारी है इसके ऊपर लगाया है। और मैंने इस तरीके से पम्पम बना के, दो कलर का पम्पम बनाया है मैंने, और ये मोतियाँ डाल के मैंने ये लटकन बना दिया है इस तरीके से। ये बहुत ही सुंदर बनी है तोरण हमारी, और बहुत ही प्यारी दिख रही है। ये रियल में बहुत ही सुंदर लग रही है। कैमरे में पता नहीं कैसा कैप्चर हो रहा है, मगर ऐसे बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर हमारा ये तोरण का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।